इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो गई हैं। आज मोदी सरकार के मंत्री एक्टिव हो गए हैं। मोदी सरकार के मंत्री श्रीपद नायक ने योगा डे की तैयारियों के विषय में दो दिन का वहाँ पर एग्जीबिशन कम योगा के जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया वहाँ पर, और सभी ने दिल भर करके योगा की सराहना की और बताया कि योगा ही आने वाले समय में सेहत का राज है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आइए सर, ये आज अंतर्राष्ट्रीय योगा 2019 के लिए सर क्या तैयारी की है आपके बारे में? तैयारी एक आज का जो कार्यक्रम है वो ये तैयारी का भाग है, और मैं सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ कि बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, ताकि यही लोग आगे जाके जो इंटरनेशनल योगा डे एक और ये बड़ा करना है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। कितनी कंट्रीज आजकल भाग ले रही है सर? अभी तो तय, अभी तक ये आते ही रहते हैं, आंसर आते ही रहते हैं। अभी तक हमारे पास एक 20 कंट्री का ये आया हुआ सर, इसमें नीति आयोग का क्या रोल होगा, कैसे इसके साथ आप लोग काम करेंगे? कौन से नीति आयोग का क्या रोल होगा? नीति आयोग डिपार्टमेंट नहीं आया, ये नीति आयोग जो कुछ योगा में हमें बहुत मदद कर रहा है, किस तरह से आगे की पॉलिसी फ्रेम करना है, आगे किस तरह से हमें मदद करना है, फाइनेंशियल मदद करना है, ये दो नीति आयोग जानता है। सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हमारी नीतियों में नए विचारों को आगे लाना और उनको मेनस्ट्रीम करना। तो इसमें जो हम लोग नीति आयोग से काम कर रहे हैं वो ये कि हम इसमें तीन इनिशिएटिव हमने लॉन्च किए हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम चाहते हैं कि एक जो रिसर्च है हमारी इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर जो रिसर्च है, आयुर्वेदिक की रिसर्च है, उसको पर्याप्त साधन मिले जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी प्रूव हो जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन बने जिसमें कि सारी जो एक नया करिकुलम तैयार हो जिसमें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन साथ पल के पढ़ाए जाएँ। और तीसरा है कि जो हमारी निर्यात होते हैं, जो एक्सपोर्ट्स होती हैं हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, उन पर अभी कोई क्वालिटी कंट्रोल बहुत कम है, कभी कभी उसमें गड़बड़ हो जाता है, तो वो हम चाहते हैं कि वो भी करें। मगर जो मोटे तौर पे बात यह है कि हम नीति आयोग में हर मंत्रालय के साथ मिलकर एक नई चीज़ के बारे में आगे सोचने की आगे अगला कदम उठाने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग दोनों बहुत मिल के काम कर रहे हैं कि आगे और आगे भी करें। शुक्रिया सर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से दवाई लोगों का दवाइयों का खर्चा काफी कम हो गया है, अब आगे क्या प्लानिंग है? ये तो और सस्ता करने की कोशिश हमारी है, और जो रिसर्च चल रही है नए नए मेडिसिन के ऊपर, वो रिसर्च जल्दी खत्म करके उसका जो प्रोडक्ट है तो मेडिसिन उसी तरह का मेडिसिन लोगों के पास लाने का हमारा प्लान। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के बीच में काम करने का और एक मौका मुझे 5 साल का मिला। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की पूर्व प्रस्तुति योग महोत्सव 2019 के उद्घाटन समारोह के इस अवसर पर आज यहां उपस्थित होने का मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।